संग्रहालय के गलियारों से। केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में सुनिए संतोषी प्रवृत्ति। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से अमरवाणी। कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो सशक्त और ऊर्जावान होते हुए भी असंगत रूप से दूसरों से या अपने से शिकायत रखते हैं। देखने में धनी पर मन की शांति में निर्धन। इसी मन की ऊहापोह में उनकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। उनके मन में बहुत मैल जमा हो जाता है। वो स्वयं नहीं जान पाते कि इन दुर्भावनाओं से कैसे छुटकारा पाएं। ऐसे लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के भी नाखुश रहते हैं। वहीं कभी जीवन के सामान्य असंतोष के प्रति अप्रत्याशित रूप से चरम तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। आज की अमरवाणी खंड में सुनिए संतोषी प्रवृत्ति। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। आइए बैठिए। आज हम लोग श्रृंगवेरपुर आए हैं। इस स्थान का नाम श्रृंगी ऋषि के नाम पर पड़ा है। वैसे इसे अब सिंगरौर भी कहा जाता है। Here in Sringvarapur, Lord Ram gave up his princely clothes to become a hermit. Yes, and after 14 years of exile, Lord Shri Ram returned to this place to meet his friend Nishad Raj Guha. Nishad Raj Guha मछुआरों के राजा थे। यहीं से केवट ने श्री राम को नदी पार कराई थी। हाँ, यहीं पर केवट ने नाव पर चढ़ने से पहले प्रभु श्री राम के चरण धोए थे। श्रृंगवेरपुर के बारे में एक श्लोक है। लंघयित्वा पितृपथम भुजगेन्द्रालयम् शुभम गंगा यमुनयोर भीमम सन्निपातमतीत्य च। एक अन्य श्लोक में श्रृंगवेरपुरम प्राप्य गुहमासाद्य वीर्यवान सवाचा शुभयारिष्टो हनुमानिदम् अब्रवीत। हनुमान जी आसमान में पवन वेग से उड़ चले और गंगा यमुना नदियों को पार करते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचे। यहाँ वो निषादराज गुह से मिले और विनम्रता से कहा। लीपिंग इन टू द ऑस्पिशियस स्काई द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स ड्यूली क्रॉसिंग ओवर द टेरिफिक कंजंक्शन ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स रीचिंग श्रृंगवेरपुर एंड अप्रोचिंग गुह द चीफ ऑफ निषादास दैट वैलियंट हनुमान स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ चार्मिंग हम्बल वॉइस। सखा तु तव काकुत्स्थो रामः सत्य पराक्रमः ससीतः सह सौमित्रिः सत्वाम् कुशलम् अब्रवीत। आपके परम मित्र महाबलशाली प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ हैं और आपका कुशल क्षेम जानना चाहते हैं। अलोंग विद सीता एंड लक्ष्मण जी योर माइटी फ्रेंड लॉर्ड श्री राम हैज फॉर हिज पार्ट एनक्वायर्ड ऑफ योर वेलफेयर। वैसे तुमने यहाँ श्रृंगवेरपुर में क्या देखा पुंडरीक? गुरुजी, हम श्रृंगवेरपुर धाम गए थे और सारा दिन वहीं बिताया। वहां से हम गंगा तट भी गए। So what did you like, वेंकटेश? Sir, I enjoyed sitting on the temple steps and watching the majestic Ganga river. And how did you like the city? The city was very calm and serene, but there was a big traffic jam on the bridge while we were coming back. It so happened that a young man jumped off the bridge into the river. So many vehicles stopped. People helped the man get out of the river. Guruji, वह लड़का बच गया। वैसे तो वह आत्महत्या के लिए नदी में कूदा था। इम्तिहान में उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। बस इतनी सी बात थी। कभी कभी माता पिता की बहुत उम्मीदें होती हैं और बच्चों पर पढ़ने का दबाव भी। इसी का डर होता है बच्चों में। पर इस बार माता पिता का तथा पढ़ाई का कोई दबाव नहीं था, ऐसा उसके गांव वाले ने बताया। माता पिता ने तो उसे कभी डांटा तक नहीं था। तो फिर उसे क्या दुख था? गुरुजी, वह हमेशा परीक्षा में अच्छे नंबर लाता था। बस इस बार इम्तिहान पास ना कर पाने की निराशा वह संभाल नहीं पाया। असंतोष कभी कभी कितना नुकसानदायक हो जाता है। वैसे तो हर व्यक्ति हर कार्य किसी उद्देश्य से करता है, परंतु उसका फल प्रभु इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। दूसरों से असंतुष्ट रहो या अपने से, असंतोष से जीवन की शांति समाप्त हो जाती है और विषाद छा जाता है। अच्छा, अब अपनी अपनी कॉपी निकालो और मंत्र लिखो। यह मंत्र ऋग्वेद के नवे मंडल का तीसरे सूक्त का चौथा मंत्र है। एष विश्वानि
एशो विश्वानी वार्याशूरो यन्निवसत्वभिः पवमानः सिशासतिः एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निवसत्वभिः पवमानः सिशासति एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निवसत्वभिः पवमानः सिशासति इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ, एषः अर्थात यह देव विश्वानि संपूर्ण वार्या धनों का सिशासति विभाग करता है। इव जिस प्रकार शूरः शूरवीर सत्व भी अपने पराक्रमों से यन आक्रमण करता हुआ सच झूठ का निपटारा कर देता है। इसका भावार्थ यह हुआ कि परमात्मा अपने ऐश्वर्यों का विभाग पात्र और अपात्र समझकर करता है। जिसको वह अपने ऐश्वर्य का पात्र समझता है उसको ऐश्वर्य देता है और जिसको अपात्र समझता है उससे ऐश्वर्य हर लेता है। जिस प्रकार पात्र अपनी बनावट और अपने गुण कर्मों के स्वभाव से पात्रता को प्राप्त करता है, या ऐसा कह लें कि पूर्व कृत अपने प्रारब्ध के कर्मों के कारण वह किसी उपादेय वस्तु को प्राप्त कर लेता है, तो जो लोग निष्कर्म मंदभागी और आलसी हैं वे सदैव ईश्वर के ऐश्वर्य से वंचित रहते हैं, इसीलिए उनको अपात्र कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर कर्म गॉड गिव्स प्रोस्पेरिटी और टेक्स इट अवे, जस्ट लाइक द माइटी वॉरियर who decides the victory or defeat, thereafter there remains no scope to complain and be unsatisfied with outcome. अगला मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल का 30वें सूक्त का 10वां मंत्र है। आवर वृततीर अधनुद्विधारा घोषो युधो न नियवं चरन्ति हि ऋषे जनित्रीर भुवनस्य पत्नीर अपो वंदस्व सवृधः सयोनीहि आवर्वृततीर्न अधनुद्विधारा घोषो युधो न नियवं चरन्ति हि ऋषे जनित्रीर् भुवनस्य पत्नीर् अपो वन्दस्व सवृधः सयोनीहि आवर्वृततीर् अधनुद्विधारा घोषो युधो न नियवं चरन्तीहि ऋषे जनित्रीर् भुवनस्य पत्नीर् अपोवंदस्य सवृधः सयोनीहि। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि ऋषे हे विद्वान अधनुन और फिर भुवनस्य जनित्री ही पत्नी राजसूय यज्ञ के संपादन करने वाली तथा रक्षण करने वाली सवृधः सयोनीहि अपः राजा के साथ राष्ट्रवृद्धि कर्म में प्रवृत्त हुई समान देश वाली प्रजाओं को वंदस्व प्रशंसित करो, क्योंकि न अब द्विधारा हनु आवरवृतती ही दो वाणी वाली अर्थात राजा के लिए कल्याण वाली निज हितार्थ प्रार्थना वाणी वाली तथा राजसूय यज्ञ में भली भांति प्रवृत्तमान गोशु युधः राष्ट्र भूभागों में प्राप्त होने वाली नियवं चरंती ही नियत रूप से यथा योग्य अन्नों को सेवन करती हुई प्रजाओं को प्रशंसित करो सम्मानित करो। इसका भावार्थ यह हुआ कि राजसूय यज्ञ में राजा के सत्कार के साथ साथ पुरोहित जन उस देश के वासी तथा राष्ट्र को समृद्ध करने वाली और नियमित रूप से संतोष के साथ अन्नादि भोग करने वाली प्रजाओं का भी स्वागत करें। ओ सेज प्रेज द विजनरी किंग हु वर्क्स फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ किंगडम, ऑल्सो प्रेज द पीपल हु आर हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ किंगडम हु आर सेटिस्फाइड एंड कॉन्टेंट। अगला मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त का 2रा मंत्र है। नते सखा सख्यम वष्ट्येतत्सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा
असुरस्य वीरा दिवो धर्तार दिवो धर्तार उर्विया परिक्षन उर्विया परिक्षन नते सखा सख्यम नते सखा सख्यम वष्ट्ये तत्सलक्ष्मा वष्ट्ये तत्सलक्ष्मा यद्विश्वरूपा भवति यद्विश्वरूपा भवति महस्पुत्रासो महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा असुरस्य वीरा दिवो धर्तार दिवो धर्तार उर्विया परिक्षन उर्विया परिक्षन नते सखा सख्यम वष्ट्येत सलक्ष्मा यद्विश्वरूपा भवति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परिख्यन। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री पुरुष का विवाह समान गुण कर्म स्वभाव और रूप के अनुसार होना चाहिए। विपरीत विवाह असंतोषजनक और समाज में अपवाद और अनादर करने वाला होता है। मैरिज शुड हैव कंपैटिबिलिटी ऑफ नेचर लाइक गुण ऑफ स्पाउसेस, अदरवाइज डिसकंटेंट ब्रियूस इन रिलेशनशिप। वेंकटेश, प्लीज टेल इफ यू हैव मोर कंप्लेंट्स विद योरसेल्फ और विद अदर्स। सर, समटाइम्स आई हैव कंप्लेंट विद अदर्स एंड समटाइम्स आई ब्लेम मायसेल्फ आल्सो। हाउ डू यू रिजॉल्व दिस टू गेट पीस? सर, व्हेन आई ब्लेम मायसेल्फ I find solace in my family members, especially my mom. She brings perspective to my shortcomings and unintentional mistakes. For other mistakes, I try to forgive and forget their words. My peace of mind is much more important to me. Pundarik, तुमने देखा ही कैसे उस छात्र ने जीवन में सामान्य असंतोष के जवाब में एक चरम कदम उठाया। ऐसे युवाओं को जीवन में कैसे संतोष लाना चाहिए? गुरुजी, उन्हें अपने परिवारजनों का भी सोचना चाहिए। यदि वो मर जाते तो उनके माता पिता कितने दुखी होते। अपने प्रति या दूसरों के प्रति असंगत रूप से शिकायत रखने से मन में मैल जमा हो जाता है और स्वयं व्यक्ति उससे छुटकारा नहीं ले पाता। हमें मन की शांति और संतोष के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के फल को प्रभु पर छोड़ देंगे और दूसरों के कर्म के फलों को भी ईश्वर पर छोड़ देंगे तो स्वयं से और दूसरों से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, मन साफ रहेगा और जीवन में संतोष और शांति रहेगी। वी शुड ऑलवेज परफॉर्म वेल, हैविंग फुल फेथ इन गॉड एंड हिज डिसीजंस। इफ वी लीव द जजमेंट ऑफ आवर डीड्स एंड अदर्स डीड टू द डिस्क्रिशन ऑफ गॉड, वी विल फाइंड पीस विद आवर सेल्व्स, वी विल एक्सेप्ट द सिचुएशन विदाउट एनी कंप्लेंट। थैंक यू सर। धन्यवाद गुरु जी। आयुष्मंतो भवतम। विश्वानिवार्यासो नो यन्ने वसत्वभिः भवमानस्य शासति आवर्वृततीरधनुद्विधारा गोषु युधो न नीजवञ्चरन्ति ऋषे जनित्रीर्भुवनस्य पत्नीरपोवन्दस्व सवृधस्तयोनिः नते सखा सख्यं वष्ट्ये तत्सलक्ष्मा यद्विशोरूपा भवाति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरादिवो धर्तार उर्विया परिख्यन। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना संतोषी प्रवृत्ति। कंपेयर थी अंजू पांडे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा। हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती आर्काइव के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharti.gov.in।